आपको भी कुछ खोना पड़ा था इन रिश्तों को पाने के लिए? मम्मी जी, खोना पड़ा ना वो अमरूद का पेड़ जिसके नीचे बैठ के हम लोग दिन भर खेला करते थे, और वो गुड्डे गुड़िया जिनके हम दिन भर शादियां कराते रहते थे। अब इस बारे में मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। शादी हर लड़की का सपना जरूर होती है अर्पिता, लेकिन किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होती। हर कदम पर इम्तिहान देना पड़ता है। हर रिश्ते की एक कीमत चुकानी पड़ती है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अवनी, मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अभी उन मुंबईया कजिन्स की बारी है ना डांस करने की। अगर हमसे अच्छा डांस कर लिया तो? हे मेरे सावरा, आपको तो पता ना उन्होंने कितनी चीटिंग की अभी तक। प्लीज उनका साथ मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज। बुआ सर रिलैक्स। याद है ना माँ क्या कहती है कि अपना काम अच्छे से करो, बाकी सब गोविंद जी पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। चल ओके, चल चल मिलती हूँ, बाय। मैं तो बस ये कहने आई। तुम ये तो नहीं कहने आई हो कि कंपटीशन से पहले ही तुमने हार मान ली है, या फिर लास्ट मिनट जुगलबंदी में तुम्हारा पार्टनर नहीं मिल रहा इसलिए कंपटीशन ही कैंसिल? तुम दोनों ने अबे भाई के साथ क्या किया है मुझे अच्छे से पता है, ताकि मुझे पार्टनर ना मिले, है ना? लेकिन अपनों की छोटी छोटी गलतियों को ना माफ कर देना चाहिए, ऐसा माँ कहती है। और फिर हार हो या जीत, यहाँ पर तो सब अपने ही है। मैं तो बस ऑल द बेस्ट कहने आई थी। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो एंड तुम्हारा लहंगा भी बहुत प्रिटी है। थैंक्स। कोई लड़की मुझसे हाथ छुड़ाकर चली जाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तैयार हो? नर्वस हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है राज। Well, डर की दवाई भी है अरवा केटर्स के मेन्यू में। क्या डर की दवाई भी होती है? हाँ, ऑफ कोर्स। तो पेश है ये डर की दवाई। गोलगप्पे, इससे क्या होगा? तुम ट्राई तो करो। ये एक खा लिया ना, अब दूसरे में इतनी लगेगी। कम ऑन। अभी भी उतनी लगी? उतनी मिर्ची नहीं है। नहीं ना, तो एक और। ये तो सच में डर की दवा है। मतलब डर छुमंतर? बिल्कुल। थैंक यू सो मच, तुम्हारे पास तो हर डर की दवा है ना। वेल, अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं क्रेडिट ले लेता हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए किया था। खुद के लिए? वैसे मैं कभी नर्वस होता नहीं हूँ, लेकिन जब होता हूँ ना तो खूब सारा खा लेता हूँ। मैं भी ऐसे ही हूँ। अच्छा, फिर तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। यस, और मुझे लगता है कि आज की जुगलबंदी भी हमारी जोड़ी जीतेगी। मैं तुम्हें फोटोग्राफ सेंड करूंगी। ओके, बाय। उससे रहा नहीं गया, तुम्हारी तारीफ किए बिना रहा नहीं गया। You were sizzling, तुमने स्टेज में आग लगा दी अपनी। Thanks. ये क्या तरीका है? हटो सामने से। अभी तक गुस्सा आना तुम मुझसे? एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी कहने आया था, सॉरी कि मैं तुम्हें उस दिन कब्रिस्तान में अकेला छोड़ दिया।
मुझे तुम्हें बहन जी कहना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट मुझे आज पता चला कि तुम किसी एंगल से बहन जी नहीं हो। वेर हॉट बेब, कुछ तो बात है तुम्हें। स्टॉप इट, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। बहन जी बोलो तो प्रॉब्लम, हॉट बोलो तो प्रॉब्लम, क्या बुलाऊं मैं तुम? अवनी, सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। Now will you please excuse me? Oof, this girl. क्या करूं मैं इस लड़की का? जब तक ये थोड़ी ओपन अप नहीं होगी, मेरे करीब कैसे आएगी? इतने सारे मेहमान, इनके बीच में कैसे क्लोज? लाया तो मैं ये शराब अपने लिए था, पर मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत अवनी को है। अवनी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों का बहुत बुरा लगा है, बट आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जिसे तुम्हें बहुत बुरा लगे। पर हम कुछ और बात भी कर सकते हैं जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। जैसे कि बुक्स। आई हैव हर्ड कि तुम्हारे पास काफी अच्छा कलेक्शन है। मुझे नहीं दिखाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगी। That's good. अभी तुम आराम से खाना खाओ और फिर बाद में मिलते, ठीक है? अवनी, क्या कर रही हो? कोल्ड ड्रिंक से पेट भरोगी? अरे फायदा ट्राई करो, अरोरा केटर्स की स्पेशलिटी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे स्टेटस मंगवाए थे ना, जाके स्टेटस लेकर आ। क्या? श्योर। अरे थोड़ा तो आराम करने दो उस बेचारे को, कब से लगा हुआ है। यही तो मैं जशन जी से कहने वाला था। बहुत मेहनत की है इन्होंने सब कुछ संभालने में, और इनके साले सामने, वाह वाह वाह, काम तो बखूबी किया ही बल्कि हमारी इज्जत भी रखी। अभय की जगह अवनी का साथ देकर डांस में कमाल किया भाई। अब सिर्फ पेमेंट से काम नहीं चलेगा भाई। पेमेंट के साथ हम तुम्हारी खातिरदारी भी करेंगे जैसे तुमने हमारी खातिरदारी की। भाजी प्लीज, आपने इतना कह दिया वही बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ जी भाजी, बस आप चेक के साथ आपका आशीर्वाद दे वही काफी है। अरे बेटा आशीर्वाद तो है ही है? लेकिन हम अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाएंगे, बिल्कुल है ना भाऊ? जी भाऊजी। आवाज बेटा जाओ, इन दोनों के लिए प्लेट लगाओ और अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाओ। जाओ ना भाई, भाऊजी ने कहा है तो सुनना तो पड़ेगा। अच्छा बेटा, आई मस्ट टेल यू, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली वो तुम्हारी ननद अवनी। यार कितनी अच्छी बातें करती है और डांस भी कितना अच्छा करती है। अवनी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसकी और मेरी इतनी जमती है, यू नो वी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। हां अच्छा रिच, मुझे कोई काम याद आ गया, आई विल हैव टू गो। ओके ओके। काम हो गया, अवनी ने पूरा ड्रिंक पी लिया, बस इसी मौके का तो इंतजार था। क्या कर रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।